कैसे हैं आप? अब एक इसमें लगातार हम आपसे जो है जुड़ रहे हैं और जुड़ घटाने की संक्रियाओं के हम अंतिम चरणों में आ गए हैं। हमने काफ़ी अभ्यास वीडियो इसमें डाले हैं, अभी फिर हम इसका थोड़ा सा एक दो वीडियो में और अभ्यास करेंगे और फिर हम जो है गुणा और भाग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जुड़ घटाने की संक्रियाओं को अब इसकी सहायता से अभ्यास करना है, जिसके लिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिसमें टू डिजिट वन डिजिट के प्लस माइनस फोर टाइम्स इंटीग्रेशन है और कुछ थ्री डिजिट्स के भी हमने एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। अब दो से हम तीन की तरफ जाएंगे और तीन के बाद फिर हम कहीं कहीं गुणा और भाग की तरफ करेंगे अभ्यास। तो हम एग्जाम्पल्स सीधे समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम एग्जाम्पल्स क्या है। वन वन प्लस फिफ्टी टू, फिफ्टी टू क्लियर है। नाउ प्लस वन माइनस थ्री, वन टू थ्री, नाउ आंसर इज फिफ्टी वन, 51 लिख देते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है थ्री प्लस वन माइनस फोर, वन टू थ्री फोर प्लस 21, आंसर 21 ठीक है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल 64, 50, 60, वन टू थ्री फोर, 64 हो गया। नाउ माइनस थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन हो गया। नाउ प्लस टू, प्लस टू, नाउ माइनस वन, आंसर 62। नाउ थर्ड एग्जाम्पल वन प्लस 81, 50, 60, 70, 81 प्लस टू, वन टू, माइनस वन, आंसर 83। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वन प्लस 71, 50, 60, 70, 71 प्लस टू, वन टू, प्लस फाइव, प्लस फाइव, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज 79। नाउ थ्री डिजिट पर देख लेते हैं। फर्स्ट है 123 यूनिट टेंस 100, थर्ड वन पे 123 क्लियर है। नाउ प्लस 12, नाउ प्लस 12, तो प्लस 12 करना है तो यहां पर टेंस प्लेस पे 1 और यहां पर 2 करना है, यहां पर कितना करना है तो 2, 2 तो हमारे पास है सिंगल बिट्स है तो 2 कैसे आएगा, 2 का फैक्टर होता है 3, तो 3 जाएगा और 5 आएगा, तो आंसर कितना हो गया 135, 135 इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट 151, 151 क्लियर है। नाउ 232 प्लस करना है, 232 प्लस करना है, आंसर इज 383, आंसर कितना गया 383। तो आज हमने बहुत ही आसान सवालों को हल करने का प्रयास किया है, इसमें कोई भी फ्रेंड नहीं लगा है, बड़े आसानी से हम इसे कर पाए हैं और जैसे जैसे अभ्यास हमारा इनका पूरा होता जाएगा तो हम विजुअल की सहायता से करेंगे। जैसे हमारे पास ये दो हैंड है तो इसमें जो फाइव उंगली है इसमें हम इसको यूनिट प्लेस बनाएंगे और इसको टेंस प्लेस बनाएंगे, तो फिलहाल हम यूनिट और टेंस मतलब इकाई और दहाई का प्रयोग यहीं से कर सकते हैं। जैसे ये 1111 हो गया, दिस इज 5 हो गया, तो अब जैसे हमने करना है 2 प्लस 2 प्लस 5, आंसर इज 9। नाउ अगर इसमें फ्रेंड का लगाना है जैसे 3 प्लस 3 करना है, तो प्लस 3 किसका फ्रेंड होता है 2 का, तो 2 जाएगा और 5 आएगा, आंसर इज 6। तो इसका अभ्यास भी हम करेंगे, पहले हम अबेकस पे बीट्स जो हमारी है ऊपर नीचे उनकी जो मेमोरी में हम अपनी इमेज बना लें तब हम विजुअल की करेंगे, विजुअल से उसका अभ्यास करेंगे और कैलकुलेशन जो ओरल कैलकुलेशन है हमें इसे बताने का आपको सिर्फ एक मतलब है कि जो आपका जनरली ओरल कैलकुलेशन करते हैं आपको कोई नंबर जनरली दिया जाता है, जैसे हमने नंबर दिया आपको 22, 21, 23, इसको अगर आपको ढूंढना है तो इसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब आप इसके अभ्यास को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसे आप जो है विद इन सेकेंड इसको आप आसानी से जोड़कर बता पाएंगे।
ये काफी अच्छा साबित होगा हमारे लिए आपके मानसिक कैलकुलेशन के लिए, तो इसीलिए हम आपको इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 3 डिजिट के प्रश्नों को हल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हम नई संक्रिया की तरफ जाएंगे जिसमें सबसे पहले गुणा की बात करेंगे और फिर भाग की बात करेंगे। गणित में ये 4 संक्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी प्रकार का सवाल हल करेंगे तो ये 4 चीजें हमें करनी होती है, चाहे वो सवाल किसी भी प्रकार का हो। दशमलव में ले लीजिए, उसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग, जनरली जो हम कोशिश करते हैं हर चीज की, उसमें हर प्रश्न में हर चीज में जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे उनमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इन चारों का ही काम होना है, ऐसा भी प्रश्न हो। तो दूसरी बात ये कि प्रश्नों को समझना, उसको हम किस तरीके से परीक्षा में लिखेंगे उसका पैटर्न भी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से प्रश्न को विधिवत रूप से लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, किस तरीके से उसमें पता लगाना है कि क्या है क्या नहीं है। इन सारी बातों को आप करेंगे धीरे धीरे आप जो है समझते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।